भारत माता की, भारत माता की। देवी सम्मक्का शरणम्मा की, यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की, अनगरिणा वरगाला विश्वरूप महासभा की, पंचीनाना बंधुवलकुना शुभाकांक्षालु, जी किशन रेड्डी जी, मेरा छोटा भाई मंदा कृष्ण मालिया जी, दूर दूर से आए माजीगा समुदाय के मेरे भाई और बहनों, अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, तेलंगाना के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों के बीच आना हमेशा ही एक सुखद अनुभव होता है, और त्योहार के इस माहौल में जब हम अपने परिवार के बीच होते हैं तो खुशी दोगुनी हो जाती है। मैं तेलंगाना के दलित समुदाय का, तेलंगाना के माजीगा समुदाय का इस विशेष आयोजन में अभिनंदन करता हूं। मैं मेरे छोटे भाई कृष्णा का आभारी हूं, मैं आप सबका भी आभारी हूं, क्योंकि आपने मुझे इतनी आत्मीयता से इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। सोदरा सोदरी मल्लारा सुदूर प्रांताल नुंचि వచ్చినటువంటి నా మాదిగ వర్గాల సోదర సోదరీమణులు, ఇతర మహానుభావులు, తెలంగాణ శ్రమజీవులు, ప్రతిభావంతులు, మీ అందరి మధ్యలోకి రావడము చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. మరీ ముఖ్యంగా ఈ పండుగ వాతావరణంలో సహజంగా నా కుటుంబ సభ్యులతో గడుపుతూ ఉంటే నాకు పట్టలేని ఆనందంగా ఉన్నది. అందుకనే నేను చాలా రెట్టింపు సంతోషంగా ఉన్నాను. ఈరోజు నేను తెలంగాణ దళిత వర్గాలకు మరియు తెలంగాణ మాదిక సామాజిక వర్గానికి ఇంత పెద్ద విశాలమైనటువంటి సభ ఏర్పాటు చేసినందుకు నా తమ్ముడు కృష్ణ మాదికకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మీరు ఎక్కువ ప్రేమతో ఈ సభలో నన్ను ఆహ్వానించినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. నా కుటుంబ సభ్యులారా, ఆజాదీ కే బాద్ आपने देश में बहुत सी सरकारें देखी है। हमारी सरकार ऐसी है जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब कल्याण है, वंचितों को वरीयता देना है। बीजेपी जिस मंत्र पर चलती है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। हम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम तेलंगाना की धरती के महान सपूत श्री गुणम जसुआ जी
और उनके सामाजिक न्याय के कार्यों को अपनी प्रेरणा मानते हैं। मुझे बताया गया है कि अपने लिखे साहित्य में उन्होंने एक दलित भाई का वर्णन किया था जिन्होंने काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ को अपनी दुर्दशा बताई थी। काशी का सांसद होने के नाते इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज मुझे आपके बीच आने, आपके सुख दुख साझा करने का आपने मुझे अवसर दिया है।